हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को ट्रम्पी ट्रैम्पोलिन एंड एडवेंचर पार्क के अंदर लेकर चलूंगा और यहां पर सारी डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले तो प्राइस देख लीजिए गाइस, आप लोगों के सामने है, आप वीडियो पॉज करके आराम से प्राइस देख सकते हैं। ये गुड़गांव के अंदर जस्ट रिसेंटली ओपन हुआ है, गुड़गांव सेक्टर 83 में, अपोजिट सैफायर मॉल के सामने है। सो गाइस, वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर ये देखिए ट्रम्पी है, यहाँ पर आप बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह या कोई भी पार्टी वगैरह कर सकते हैं। गेम्स की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर गेम्स हैं, फन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि रॉप क्लाइंबिंग है, साइकिलिंग आप लोग यहां पर कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। प्राइस मैं ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहां पर गेम्स खेल सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। ये पूरा ट्रैम्पोलिन पार्क है, देख सकते हैं कितना बड़ा है और शानदार है। यहाँ पर बच्चे अपना फुल पूरी कसर उतार सकते हैं गाइस, कह सकते हैं। एक बार मैं आपको ऊपर से भी व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी आप कुछ अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। अगर बड़े ज़्यादा पार्टी है तो यहाँ भी कर सकते हैं। और नीचे देखिए, यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर कुछ भी छोटी मोटी पार्टी आप कर सकते हैं। और ये देखिए, अभी ये यहाँ से ये देखिए छलांग लगाएंगे। यहाँ के जो स्टाफ हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, वेल एजुकेटेड हैं। बोल राइडिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये देखिए, पोलो गेम है यहाँ पर, उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कि ये भी फन एक्टिविटी है। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्विंग्स भी मिल जाएंगे, झूले बहुत हैं यहाँ पर, और बच्चों के साथ ट्रेनर हमेशा साथ ही रहते हैं। और ये देखिए, ये 180 डिग्री वाला झूला है गाइस, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये सबसे मुश्किल वाला झूला था। सो गाइस, वीडियो को करता हूँ मैं एंड, और आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।